Dear students, assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 5, which is based on unit 4, exercise 4A. जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 5 है आज इस लेक्चर में हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 16, 20 एंड 24. हमारे पास वो लोएस्ट नंबर हमें चाहिए जिसको क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बना दे. हमारे पास ऐसे नंबर होने चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर बना दे इसको, जो डिविजिबल हो इन सारे नंबर के ऊपर. तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम मेथड, जो डिवीजन से हमने किया था, डिवीजन एलसीएम मेथड से लेंगे. 2 6 12, 2 8 16, 2 10 20, 2 12 24, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 4, 5 एज इट इज, 2 3 6, 2 से फिर करेंगे 2 3 एज इट इज, 2 1 2, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 1 3, 1 5 एज इट इज, 3 1 3, 5 1 5. ये तो आपके आ गया एलसीएम मेथड से. हमारे पास एलसीएम निकालना, हमने इनका निकालेंगे. अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे क्या होना चाहिए, ये पेयर अप में होना चाहिए. 2 2, ये देखिए 3 1 है, 5 1 है. अगर मैं इसको कहूं परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जो इस नंबर से मल्टीप्लाई हो, तो मैं अगर कहता हूं परफेक्ट स्क्वायर का क्या रूल होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5. लोएस्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है जिससे मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. अगर आप यहां पे देखें, ये एक पेयर बन गया 2 का, ये पेयर बन गया 2 का. अब यहां पे मिसिंग क्या है, एक 3 मिसिंग, एक 5 मिसिंग है. तो लोएस्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आएंगे, एक 3 और 5. द नंबर आर 3 and 5. अब 3 और 5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. अब ये जो नंबर्स हैं जो डिविजिबल होंगे किससे, एक परफेक्ट स्क्वायर से. मैं इसको करता हूं दोबारा से, 3 और 5 से इसको एक 3 और 1 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इनको. 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5. अब ये देखें, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी और ये भी. अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालूंगा तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर में आएगा. 2 2 4 × 4 × 9 × 5 × 5 × 25 × 16 × 9 × 25. आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 हमारे पास आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. 3600 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 और 5 आर द नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें जरूरत है. कौन से नंबर्स हैं, 3 और 5. 3 और 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 × 9 × 25 3600 वैल्यू आ जाएगी. 3600 जो आंसर इसका आंसर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है इन नंबर को डिविजिबल करने के लिए हमारे पास. जी जो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्या द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 794 इफ वन ऑफ देम इज 13, फाइंड द अदर. दो पॉजिटिव स्क्वायर्स का जो नंबर है वो हमारे पास आता है टू पॉजिटिव स्क्वायर नंबर 794. अगर एक नंबर, वन नंबर इज 13 है तो कहता है फाइंड द अदर नंबर. अब हमारे पास इसका दो का सम जो है, मैं कहता हूं जी आंसर लिखते हैं, आंसर करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज 8 और सेकेंड नंबर को मैं कह देता हूं बी. अब हमारे पास दो नंबर आ गए जिनका कहता है इनको क्या करो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, ए प्लस बी का स्क्वायर जो है, सम ऑफ ए प्लस बी का जो स्क्वायर है किसके बराबर आ रहा है, सम स्क्वायर्स का सम जो है, दोनों का जो सम का जो स्क्वायर है वो 794 है. अब एक नंबर जो है वो गिवन है 13, a इज इक्वल टू 13 है और b इज इक्वल टू, हमने फाइंड आउट करना है कि क्या है. अब इसका क्या है मतलब है, a की क्या वैल्यू है 13, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने. इसका स्क्वायर का मतलब है, a का स्क्वायर इसका मतलब है 13 पुट कर दूंगा, 13 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 794 आ जाएगा.
13 का स्क्वायर आ जाता है 169 प्लस बी स्क्वायर आ जाता है 794। यहां पे देखें ये प्लस हो रहा है इसके साथ वैल्यू, तो इस तरफ आके इक्वल के निशान के इक्वल साइन के इस तरफ आएगा, तो 794 माइनस 169 माइनस करेंगे आप इसको क्या आ जाएगा 625 हमारे पास आ जाएगा, बी स्क्वायर इजिकल टू 625 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको अगर आप करें इसको वैल्यू देखें, अब इस 625 का क्या करना है, मैंने बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका क्या करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब बी की वैल्यू चाहिए मुझे, स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं बी का क्या करूंगा अंडर रूट ले लूंगा, इसका बी 625 का बी स्क्वायर रूट ले लूंगा। अब 625 का स्क्वायर रूट लें आप, इसका क्या स्क्वायर रूट आएगा जी हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट लेके देख लेते हैं, स्टूडेंट 625 का मेरे स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेके लेंगे क्या किया 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25 कितने 5s आ गए 2 5 2 5 5, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये एक पेयर बन गया, ये सेकंड पेयर बन गया, दो पेयर्स बन गए 5 5 के। अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर इसको अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 25। ये इसका आंसर है, यानी एक वैल्यू जो है वो 13 है और सेकंड वैल्यू हमारे पास 25 है। मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 794, इफ वन ऑफ देम इज 13 फाइंड द अदर। कहता है कि दो का दो वैल्यूज का स्क्वायर का जो सम है हमारे पास 794 आता है, यानी ए स्क्वायर, मैंने कहा लेट द नंबर फर्स्ट नंबर इज ए इज इक्वल टू 13, सेकंड नंबर बी इज इक्वल टू फाइंड आउट, हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 794, ए की वैल्यू दी हुई है 13, तो मैंने ए की जो वैल्यू है वहां पे 13 का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है 13 का स्क्वायर, तो 169 आ जाएगा, यहां पे ये प्लस हो रहा था इस तरफ आएगा इक्वल के साइन के, तो 794 माइनस 169 625 आ जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625, मुझे बी की वैल्यू चाहिए स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो बी स्क्वायर को मैंने क्या किया स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, बी का भी स्क्वायर रूट ले लिया 625 का भी स्क्वायर रूट ले लिया, जब स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगी 5 5 5 5 4 5 आ गए हमारे पास, पेयर अप किया पेयर बनाए इसका, इसका एक पेयर दो पेयर बन गए, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए और 5 और 5 बन गया हमारे पास, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25। ये हमारे पास इसका आंसर है, इसकी सेकंड वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होगी। जी स्टूडेंट, आज का इस लेक्चर को लेक्चर 5 का आपके पास होमवर्क जो है वो होम टास्क क्या है हमारे पास 4A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो मैंने अभी सॉल्व करवाया आपको, यही आपने क्या करना है सॉल्व करना है अपनी नोटबुक के ऊपर, और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 तक ये एक्सरसाइज एंड होगी, 4A यहीं तक ये काम खत्म हो जाएगा, आपने नोटबुक के ऊपर अपने सॉल्व करना है और उसको समझना है।